तुमने देखा है सिर्फ आंखों को, तुमने आंखों में नहीं देखा, दिखा कुछ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अनामिका और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आप देख सकते हो आज मैं जा रही हूँ एक मेकअप लुक क्रिएट करने, जो आप कहीं पे भी पार्टी में, डे टाइम पार्टी में या बर्थडे पार्टी में, छोटी मोटी पार्टीज में क्रिएट कर सकते हो। तो मेरा यहाँ पे फेस मैंने वॉश किया हुआ है, अब मैं यहाँ पे ये गुड वाइब्स का ऑरेंज जेल लगाऊंगी। ये बहुत ही अच्छा जेल है और पर्पल पे 2 सितंबर से लेके 7 सितंबर तक सेल भी चलने वाली है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया है जेल को फेस पे अच्छी तरीके से, और इस जेल को अप्लाई करने से आपके फेस को जो विटामिन सी की नीड होगी वो भी पूरी हो जाएगी। तो अब मैं यहाँ पे जैकलिन का मोर्फे हील पैलेट ले लूँगी, उसमें से एक ब्राउन कलर पिक करूँगी एंगुलर ब्रश पे और अपने आईब्रोज को फिल कर लूँगी। हम जब ब्राउन कलर से अपनी आईब्रोज फिल करते हैं तो हमारी आईब्रोज नेचुरल दिखती है, इसलिए हम ब्राउन कलर यूज़ करते हैं। और आप साथ में थोड़ा सा ब्लैक कलर भी मिक्स कर सकते हो। तो ऐसे ही दूसरी भी आईब्रो मैंने फिल कर ली है और अब यहाँ पे मैं फिटमी का कंसीलर ले रही हूँ और आईब्रोज को कॉन्टोर कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे लूज़ पाउडर लगा रही हूँ लैक्मी का, और अब फिर से मैंने वही आई शैडो पैलेट पिक किया है और अब हम करेंगे आई मेकअप। तो यहाँ पे एक फ्लफ़ी ब्रश पे मैंने ब्राउन शेड पिक किया है, उसे पहले हम प्लेस करेंगे फिर ब्लेंड करेंगे। ऐसे हमें कलर अच्छा मिल जाएगा और शेप भी अच्छी आएगी आइज़ की। आप देख सकते हो कितना अच्छा नेचुरल लग रहा है ना, ऐसे हम दूसरे पे भी कर लेंगे। और अब हम सेकेंड कलर पिक करेंगे, दोनों आईज़ को एक साथ करते हुए चलेंगे। तो ये ग्रीन कलर मैंने हल्का सा पिक किया है और अब फिर से इसको ब्राउन कलर से थोड़ा सा नीचे अप्लाई कर लिया है और अब यहाँ पे मैं क्रीज क्रिएट करूँगी, कट क्रीज। ऐसे ही सेकेंड आईज पे भी कर लेंगे। बहुत करना आसान है, एक फ्लैट ब्रश से आप कर सकते हो आसानी से। और अब हम इसे लूज़ पाउडर से सेट भी कर लेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा वेट है तो इसे ड्राई करना ज़रूरी है। और अब यहाँ पे मैंने फिर से वही डार्क ग्रीन कलर पिक किया है और उसे मैं आईलिड पे प्लेस करूँगी। और यहाँ पे मैं आप पीच कलर और ब्राउन कलर और थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर लेके मिक्स करके पूरे आईज़ पे अपने प्लेस कर दूँगी। आप लास्ट में देखोगे इसका हल्का सा ग्रीनिश शेड आएगा बस आईज़ पे और पूरा ग्रीन हट जाएगा, क्योंकि मुझे पूरा ग्रीन नहीं चाहिए, बस उसका हल्का सा शेड चाहिए कि दिखे कि लाइट सा ग्रीन ग्रीन भी इफ़ेक्ट दे रहा है। और यहाँ पे मेरी दोनों आईज़ का मेकअप कंप्लीट हो गया है, जो भी फॉल आउट हुआ है उसको हम क्लीन कर लेंगे। फिर से एलोवेरा जेल, एलोवेरा कह रही हूँ सॉरी, फिर से ऑरेंज जेल अप्लाई कर लेंगे। और अब यहाँ पे मैं गुड वाइब्स का गोल्ड लीफ सीरम अप्लाई करूँगी। ये मिनी पैक है, ये 99 रुपीज़ का मिलता है। इसमें छोटे छोटे गोल्ड लिप्स के पार्टिकल्स हैं, आप देख सकते हो। अब वो सच में है या क्या है पता नहीं, पर है देखने में। और अब मैं यहाँ पे इनसाइट का प्राइमर यूज़ करूँगी फेस को प्राइम करने के लिए। और ये मेकअप मैं फाउंडेशन से नहीं कर रही, तो मैं यहाँ पे पॉन्स बीबी क्रीम यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा ना लाइट मेकअप है ये,
और डे में भी आप कर सकते हो, तो डे में फाउंडेशन थोड़ा अच्छा नहीं लगता मुझे। जैसे हम एक ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे नेक और ईयर पूरा कवर करते हुए। यहाँ पे मेरी नोज रिंग घूम जाती है बार बार, और यहाँ पे वही कंसीलर फिर से मैं अपने अंडर आईज़ पे अप्लाई कर लूँगी, जो थोड़े डार्क सर्कल्स हैं सही हो जाएंगे। और ये वही लूप लैक्मी का लूज़ पाउडर, उससे हम सेट कर लेंगे फेस को। हाइलाइटर को हम अपने ब्राउ बोन पे प्लेस करेंगे क्लीन लुक देने के लिए। और अब मैं उसी पैलेट से पीच कलर पिक करके ब्लश लगा रही हूँ। अभी ये ब्लश मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, इसी पैलेट में से जो पीच कलर है पूरा ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने मस्करा लगाया था, अब मैं ये लिपस्टिक लगा रही हूँ, जो है ब्लू हेवन की एलिगेंस मैट लिप कलर लिपस्टिक। बहुत ही प्यारा शेड है ये। और अब हम लाइनर ड्रॉ करेंगे, छोटा सा विंग लाइनर। इसके बाद हमारा लुक हो जाएगा कंप्लीट। तो आप देख सकते हो कंप्लीट हो चुका है। मैं ड्रेस चेंज करके दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने ये इयरिंग्स डाली हैं और ब्लैक कलर की बिंदी लगाई है, और बीच से पार्टीशन करते हुए बालों का बस ऐसे ट्विस्ट करके पिन लगा दिया है। तो कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी वीडियोस देखने के लिए वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।